फ्री फायर मैक्स पता नहीं क्या होता है भाई, ये तो मुझे भी तो पता नहीं है यार। अब बोलूंगा नहीं, अब सीधा मैं फेसबुक भी करके दिखाऊंगा। तो है व्हाट्सअप गाइज, क्या हालचाल, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त होंगे। तो गाइज आज भी मेरे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा। तो गाइज बढ़ते हैं फर्स्ट स्टोरी की तरफ। तो हम लोग बात करने वाले हैं रेक्स एफएफ के बारे में। तो गाइज आपको याद ही होगा कि रेक्स भाई बोले थे अगर मेरा चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएगा तो मैं अपना फेस रिवील करूंगा। लेकिन गाइज रेक्स भाई के चैनल पे बहुत पहले ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया है, लेकिन अभी तक उन्होंने फेस रिवील नहीं किया है। तो गाइज रेक्स भाई फेस रिवील क्यों नहीं किया, इसके बारे में इन्होंने ये कहा। यार ये 8-9 महीने में मैंने देख लिया, सब कुछ मैंने देख लिया, मैं बता नहीं सकता यार, आप लोगों को जस्ट बता नहीं सकता कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो गाइज मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं सब कुछ सॉल्व कर लिया है, कुछ दिनों में सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ये था मेरा कुछ फेस्टिवल ना करने का रीजन। तो गाइस सॉल्व होने के साथ साथ ही मैं फेस्टिवल कर दूंगा, ऐसे कोई बात नहीं है। गेम से पूरा 8-9 महीने मतलब मैं एक्टिव नहीं था, मैं पूरा अलग था। और दिल से सॉरी यार, कितना सॉरी बोलो उतना यार बुरा लगता है यार। आप लोगों को बोला था मैंने कि मैं फेस्टिवल करूंगा, बट मैंने नहीं कर पाया, ये गलती दोबारा नहीं होगा। अब जब बोलूंगा मैं फेस्टिवल करूंगा तभी मैं फेस्टिवल कर दूंगा, आप लोग टेंशन मत लो। मैं जब भी बोलूंगा, अब देखना, मैं जब भी बोलूंगा मैं फेस्टिवल करूंगा यार, अब बोलूंगा नहीं, अब सीधा मैं फेस्टिवल करके दिखाऊंगा। तो गाइस देखते हैं रेक्स भाई फेस्टिवल कब करते हैं। तो गाइस बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ। तो हम लोग बात करने वाले हैं पीडब्ल्यू के बारे में, यानी फिजिक्स वाला के बारे में। तो गाइस पीडब्ल्यू के एक टीचर ने रिएक्ट किया है फ्री फायर के ऊपर। तो गाइस पीडब्ल्यू के टीचर ने क्या रिएक्ट किया फ्री फायर के ऊपर, तो चलिए मैं क्लिप को दिखाता हूँ। पीडब्ल्यू ऐप ने इस्तेमाल किया 8 घंटे फ्री फायर मैक्स, पता नहीं क्या होता है भाई, ये तो मुझे तो पता नहीं है। इसमें वो दे रहा भाई साहब 3 घंटे, फिर से फ्री फायर पे भाई साहब चले गए 3 घंटे पे, फिर से फ्री फायर मैक्स पे गया और 2 घंटा उसने फिर से फ्री फायर मैक्स पे खेला। टेलीग्राम पे 4 मिनट मैसेज देख लिए होंगे। तो बेसिकली बच्चे का नाम मैंने छुपा दिया है प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। मैं बस आपसे कहना चाहूंगा कि प्लीज अगर कोई ये सब कर रहा है तो मत करो, ठीक है, सीरियसली बता रहा हूँ। ये गेम वेम फालतू की चीजें हैं। अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो आज ही जितने भी मोबाइल ऐप में तुम्हारे गेम हो सारे के सारे गेम को डिलीट मार देना, सीरियसली बता रहा हूँ। तो गाइस इस वीडियो में मैंने सिर्फ फ्री फायर के वीडियो को सिर्फ ट्रिम करके रखा है। अगर आप लोग किसी को कुछ भी कहना तो आप लोग पहले पूरा वीडियो देख लेना, उसके बाद यार कुछ भी बोलना। तो गाइस इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग देख लेना पूरा। तो गाइस बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ। तो हम लोग बात कर रहे हैं ज्ञान गेमिंग के बारे में। तो गाइस आप लोग ज्ञान भाई का लाइव स्ट्रीम बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे होंगे, लेकिन गाइस ज्ञान भाई लाइव स्ट्रीम करते हैं, लेकिन आप लोगों को ज्ञान भाई कहाँ लाइव स्ट्रीम करते हैं ये नहीं पता होगा। तो ज्ञान भाई कहाँ लाइव स्ट्रीम करते हैं तो ज्ञान भाई का मुंह से ही सुन लो। ज्ञान बोल रहे फ्री फायर खेलो, फ्री फायर खेलो। तो गाइस फ्री फायर तो अभी खेल नहीं पाऊंगा यूट्यूब में, क्योंकि बहुत लॉन्ग करना पड़ता है और फिलहाल मेरा ये जो प्यार है ये 2 महीने के अंदर सही हो जाएगा, फिर मैं आर्टिफिशियल डेक लगा पाऊंगा जिससे मैं ऐसे और एक हो जाएगा, ठीक है। और सभी भाइयों को दिल से लव यू एवरीवन। और जैसे और एक बात है, मैं टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन कर लो, क्योंकि उधर मैं 1 घंटा 1.5 घंटा लाइव करता हूँ कभी कभी ऐसे बैठ के, ठीक है। सब लोग राजस्थान विषय सब आता है, इधर लिंक है मैसेज बॉक्स में, लिंक होगा क्लिक करना और ज्वाइन कर लेना। और एक बात, तो गाइस बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले नयन असिसियन के बारे में। तो गाइस आप लोगों को पता ही है कि फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज 2024 हो गया, एंड इसका बिना टीम फाल्कन है जो थाईलैंड कंट्री का है। एंड गाइस नयन भाई इस टीम का पहले प्रिडिक्शन कर दिया था कि ये टीम विनर होगा, एंड उन्होंने क्या कहा था चलिए मैं उन क्लिप को दिखाता हूँ। गाइस मेरे साथ है नयन। नयन यो, तेरे कौन लगता है कौन जीतेगा इस बार ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप? इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो।